देर से ही सही, लेकिन कोरोना के खतरे के साथ देश के विभिन्न राज्यों से अपने राज्यों के श्रमिकों को वापस लाने का फैसला आखिर कर ही लिया गया। इन श्रमिकों को लाने के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन विभिन्न राज्यों में पहुंच रही है। अब टिकट के पैसों की वसूली पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम बता दें कि स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे के नियम क्या हैं। निर्धारित फॉर्म में आवेदन जरूरी जानकारियों सहित संबंधित रेलवे जोन को देना होता है। स्पेशल ट्रेनें 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलाई जाती हैं। साथ ही 90% यात्रियों का होना भी जरूरी है। इसके लिए रेलवे सभी सीटों के लिए टिकट्स जारी कर संबंधित को दे देती है। उसके बाद वह यात्रा करने वाले अपने यात्रियों को टिकट सौंप कर उसका किराया रेलवे को सौंप देता है। वर्तमान में कोरोना के कहर के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई राज्य अपने श्रमिकों को अपने राज्य में वापस लाना चाहती है तो टिकट के खर्च का 85% किराया केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 15% संबंधित राज्य को देना होगा। लेकिन महाराष्ट्र और केरल राज्यों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पूरा किराया श्रमिकों से वसूला गया है। यह आदेश के विरुद्ध है। इन मामलों में काफी बवाल मचा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बवाल के बीच श्रमिकों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए जाने की घोषणा कर दी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार श्रमिकों से किराया लेने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान शामिल हैं, जहां कांग्रेस या समर्थित सरकारें हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में श्रमिकों से टिकट का पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य का 15% हिस्सा रेलवे को देने की घोषणा कर दी। इन दोनों ही राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले देश भर के अन्य राज्यों से काफ़ी कम है और भूपेश सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। देश भर में छत्तीसगढ़ सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तारीफ भी हो रही है। टिकट मामले में सोनिया गांधी को आखिर यह क्यों कहना पड़ा कि श्रमिकों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी? क्या रेलवे की गाइडलाइन को समझने में कांग्रेस अध्यक्ष से कोई भूल हो गई, जबकि पार्टी के दो राज्यों के मुख्यमंत्री इसे आसानी से समझ गए? दरअसल रेलवे की गाइडलाइन में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि टिकट का किराया राज्य सरकार श्रमिकों से वसूल कर रेलवे को देगी, लेकिन श्रमिकों से नकदी वसूली गई। सवाल उठता है कि जब कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र और केरल श्रमिकों से टिकट के पैसे वसूल चुकी है, जबकि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 15% राज्यों का हिस्सा रेलवे को देने के लिए राजी हो गए हैं, ऐसे में किन श्रमिकों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी? इन 5 राज्यों के अलावा देश भर के सभी राज्यों ने अपने हिस्से का 15% किराया रेलवे को देने की घोषणा पहले ही कर दी है। रेलवे के उस गाइडलाइन के अनुसार उस पर क्या लिखा है यह हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, रेलवेज विल प्रिंट ट्रेन टिकट्स टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन एज पर नंबर ऑफ पैसेंजर डिक्टेटेड बाय द ओरिजिनेटिंग स्टेट। देयर आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट विल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स एंड द टिकट फेयर कलेक्टेड विल बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट अथॉरिटी। इस गाइडलाइन में कहीं यह नहीं लिखा है कि टिकट का किराया यात्रियों से वसूल कर रेलवे को सौंपा जाए, अन्यथा अंग्रेजी में द टिकट फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर शब्द जरूर लिखा होता। चूंकि केंद्र सरकार पहले ही एक कह चुकी है कि 15% किराया राज्य सरकारों को रेलवे को देना होगा, अब राज्य सरकारें यह किराया श्रमिकों से वसूल करें तो मामला साफ साफ समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX न्यूज़, रायपुर।